श्रावण की पहली सोमवारी पर उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब उत्तरायणी गंगा से जल लेकर विभिन्न शिव मंदिरों में किया जलाभिषेक। बक्सर में श्रावण की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी रामरेखा घाट पहुंचकर उत्तरायणी गंगा का पवित्र जल लेकर विभिन्न शिवालयों की तरफ रवाना हो रहे हैं। रामरेखा घाट पर त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के साथ साथ बक्सर के नाथ बाबा मंदिर, सोमेश्वरनाथ, वामनेश्वरनाथ, गौरी शंकर मंदिर के साथ साथ महर्षि उद्यालक के आश्रम में छोटका नुआव में स्थित शिव मंदिर के अतिरिक्त पतालेश्वर नाथ मंदिर एवं तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी के मद्देनजर जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने पूर्व में ही यह निर्देश दिया था कि विभिन्न शिव मंदिरों के साथ साथ मार्गों पर भी सघन निगरानी रहेगी। डीएम के निर्देश के आलोक में शिव मंदिरों की तरफ जाने वाले विभिन्न मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए। रामरेखा घाट जाने वाले मार्ग पर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था, वहां सुरक्षा के इंतजाम दिखे। रामेश्वरनाथ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्त सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते रहे। मुख्य पुजारी ने बताया है कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास की सोमवारी को केवल जलार्पण से ही भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह मनुष्य के तमाम दुखों का निवारण कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आज हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक रामेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन किया है। इसके अतिरिक्त रामरेखा घाट से उत्तरायणी गंगा का जल लेकर विभिन्न शिव मंदिरों को रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अच्छी खासी रही। क्या कुछ कहा रामेश्वरनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने, सुनिए। प्रथम सोमवारी का विधान यह है कि आज श्रावण महीने की प्रथम सोमवारी है और श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही ताता लगाए हुए हैं। भगवान रामेश्वरनाथ जी का जलाभिषेक दर्शन कर चुके मान के चलिए सुबह से भीड़ कम थी, 2000 लोग दर्शन कर चुके हैं। अभी एकाएक भीड़ बढ़ी हुई है।